पोस्ट में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं मृदुला। बिहार कांग्रेस ने राज कोरोना के घटते संक्रमण दर को लॉकडाउन का परिणाम बताया है, लेकिन पार्टी ने लॉकडाउन देरी से लगाए जाने पर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि अगर सरकार ने अप्रैल महीने में ही लॉकडाउन लगा दिया होता तो यह संक्रमण दर काफी पहले कम हो गया होता, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है। वहीं प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि सरकार अगर स्वास्थ्य महकमे को दुरुस्त रखती तब उसे पीठ थपथपाने का भी हक होता। बिहार में कोरोना संक्रमण की दरों में कमी अगर हो रही है तो एक वही वजह उसकी है कि लॉकडाउन के चलते हमने उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश की और रिजल्ट सामने है। यही सवाल उठता है कि जो सरकार में बैठे लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि आपने लॉकडाउन लगाने में देरी क्यों की। अगर यही लॉकडाउन अप्रैल महीने में ही लग गया होता तो संक्रमण की दरें पहले ही कम होती और मृतकों की संख्या भी कम होती। अगर पीठ थपथपाना ही था सरकार को, इन्हें अस्पतालों में वो तमाम चीज़ों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी जो पिछले 12 महीने 13 महीने से इंतजार कर रहा था। कोरोना की पहले लहर के बाद जो सिर्फ लंबी लंबी बातें ये लोग करते रहे, इन्हें उस समय अपने अस्पतालों की हालत को ठीक करना था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और वेंटिलेटर चलाने के लिए टेक्नीशियन की नियुक्ति, डॉक्टरों के खाली पदों को भरना, इन तमाम उपायों को अगर सरकार करती तो मैं समझता हूँ बिहार में जो हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई है ना वो मौत होती, न लोगों को इतनी परेशानी होती। तब अगर सरकार के लोग पीठ थपथपाते तो हम लोग भी मानते कि चलो गवर्नमेंट ने अच्छे इंतजाम किए, लेकिन सरकार ने पिछले 1 साल में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर न तो अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया, न अपने किसी अस्पतालों की स्थिति को मजबूत किया, सिर्फ लफेबाजी होती रही। अब कहेगा ये पीठ थपथपा रहे। बिहार के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये जो कोरोना का दूसरा वेव आया था वो ढलान पे है, इसमें किसी सरकार का योगदान नहीं है। तो मैं समझता हूँ सरकार को अभी भी समय है, टीकाकरण अभियान को तेज करिए, लोगों को जल्द से जल्द टीका लगाइए। बिहार में टीका क्यों नहीं अवेलेबल है ये जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।